एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ टुडेज कलेक्शन और मैंने बहुत सारे आउटफिट्स पिक किए हैं फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। एक्चुअली कुछ मीशो से है, कुछ मिंत्रा से है, कुछ अमेज़ॉन से है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ मिक्स हॉल, बट डेफिनेटली आपको सारे ही आउटफिट्स बहुत पसंद आएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल जस्ट नेक्स्ट टू इट, ताकि आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियोस देखने मिले। और लाइक कर देना वीडियो को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का अगर आप लुक जो अगर देखोगे तो मैंने ना बहुत ही ड्रामेटिक मेकअप लुक क्रिएट किया है आज, कुछ एक्सपेरिमेंट किया है विथ कलर्स एंड विथ आईलाइनर्स। सो आज का लुक ना डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। और जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ जो है यू नो आई मेकअप के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं आजकल, एंड यू नो ब्लू इज़ न्यू ब्लैक यू कैन से। सो मैंने ना कुछ आईलाइनर्स, कलर्ड आईलाइनर्स ट्राई किए हैं और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। सो आज हम जो मैंने क्रिएट किया है उसके बारे में भी बात करेंगे। और डेफिनेटली सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और अगर जो भी कोड्स या फिर जो भी मैं दिखा रही हूँ सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस मेकअप। सो फर्स्ट डोंट फॉरगेट टू प्रेप योर स्किन बिफोर अप्लाइंग मेकअप, अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन। लेटर ऑन आई बी टेकिंग माई फेवरेट फाउंडेशन और उसमें मैं स्ट्रोब क्रीम मिक्स करूँगी, बिकॉज इससे क्या होता है ना, स्ट्रोब क्रीम मिक्स करने के बाद ना काफ़ी फ्लॉलेस लुक आता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद से इसलिए। सो इस तरह से डॉट डॉट आपको फाउंडेशन को अप्लाई करना है, एंड देन जस्ट यू नो ब्लेंड इट प्रॉपरली विद अ ब्यूटी ब्लेंडर। उसके बाद मैं एक बेस रेडी कर लूँगी विच इज़ गोइंग टू बी अ पिंक बेस, नॉर्मल पिंक बेस जो जनरली हम फॉलो करते हैं, उस तरह का बेस मैं क्रिएट कर लूँगी। एंड देन आई बी यूजिंग दिस कलर्ड काजल्स फ्रॉम NY बे। सो मेरे पास अभी 3 शेड्स है इसमें। फर्स्ट शेड इज़ दिस वन, सो दिस इज़ नेवी नुआंस, और ये शेड बहुत ब्यूटीफुल सा ब्लू शेड है। सो अगर आपको मतलब कुछ नया ट्राई करना है आई मेकअप के लिए, डेफिनेटली आप इन कलर्ड काजल्स को यूज़ कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दी है, और आप देख रहे हो किस तरह से मैंने ब्लू काजल अप्लाई किया है एज अ लाइनर। और मेरे पास एक और शेड अवेलेबल है नाउ, दिस शेड इज़ ग्लिट्ज़ी ग्रीन। सो ये जो शेड है ना, ये परफेक्टली मैच हो रहा था मेरे आउटफिट के साथ। सो मैंने सोचा जो विंग्स है ना, विंग्स के जो एंड्स है वहाँ पर मैं ये वाला शेड अप्लाई कर लूँ टू गिव इट अ ड्रामेटिक लुक। एंड सीरियसली स्मूथ एप्लीकेशन देता है आपको ये काजल, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है, काफ़ी अच्छा ड्रामेटिक लुक क्रिएट हो रहा था। और ये जैसे बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, तो आप काफ़ी अच्छा सा यू नो लुक क्रिएट कर सकते हो विथ मिक्सिंग ऑल दिस कलर्स, ऑल दिस शेड। सो यहाँ मैंने ब्राउन शेड भी अप्लाई कर लिया है, ब्राउन बेब, एंड देन आई बी अप्लाइंग मस्कारा। सो मस्कारा अप्लाई करने के बाद लिक्विड ब्लश अप्लाई करूँगी, एंड लेटर ऑन आई जस्ट यू नो अप्लाई लिपस्टिक विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम्प्लीट द होल लुक। एंड शेड भी मैंने काफ़ी परफेक्ट चूज़ किया था आई गेस। और उसके बाद सेटिंग स्प्रे अप्लाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टू लॉक योर मेकअप, ताकि जो भी आपने मेकअप किया है वो जैसे लॉक हो जाए, एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। सो डेफिनेटली अगर आपको ये प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं। और प्रोडक्ट लिंक जरूर चेक करना टू गेट एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन दिस प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली ऑफर्स चल रहे हैं। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर होल वीडियो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो के लिए रखे हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट आउटफिट। सो दिस इज फ्रॉम अमेजोन आई गेस, जहाँ से भी मैंने प्रोडक्ट जो बाय किए सबके लिंक्स आपको मैं मैंशन कर दूंगी। सो ये बहुत ही प्रिटी सा आउटफिट है, आई लव द कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। एंड लुक एट दिस, ओके, डेफिनेटली आपको भी बहुत पसंद आएगा। सो अगर आपको पसंद आता है डेफिनेटली आप बाय करना, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो इसलिए। सो लुक एट दिस, शेड्स ऑफ पिंक यूज़ किए गए हैं, लाइट पिंक एंड डार्क पिंक। सो लुक एट दिस, मुझे ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा, और पहनने के बाद ना बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, आप ट्रायल देख सकते हो। सो दिस इज़ ओवरऑल अ कुर्ता सेट, ओके। इसका जो मटेरियल है ना, ये रेयॉन मटेरियल है, और इस पर ब्रांड नेम लिखा है अमायरा, साइज इज स्मॉल। मैंने इसे अमेज़ॉन से बाई किया है, एंड लिटरली मुझे ये वन डे डिलीवरी में मिल गया, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न दिस एट ऑल। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सटल लगा, एंड डेफिनेटली कैन वेयर इट एनी वेयर,
किसी भी ओकेजन के लिए भी, छोटे मोटे ओकेजन के लिए या फिर डेली वेयर के लिए भी, या किसी के यू नो फैमिली गेट टुगेदर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आउटफिट है। सो लुक एट दिस, यहाँ पर जो भी आप वर्क देख रहे हो दिस इज़ ऑल थ्रेड वर्क, और इस पर इस तरह से सीक्वेंस का भी वर्क है और फॉल्स मिरर भी है। ओके सो इस तरह से वर्क किया गया है और सीक्वेंस भी है। सो बेसिकली काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये आउटफिट। और ए लाइन कुर्ता है और इस पर इस तरह से ना प्रिंट दिया गया है, इफ़ इट इज़ विजिबल टू यू। ओके और यहाँ पर इस तरह से ना सिल्वर लेस अटैच्ड है फ्रॉम बैक साइड, यू गेट दिस प्रिंट। ओके सो काफ़ी अच्छा लगा। 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड, यहाँ पर भी थ्रेड वर्क है। ओके सो नाइस, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कुर्ता। इसके साथ जो बॉटम प्रोवाइडेड है इट इज़ इन डार्क पिंक शेड, जिस पर ना प्रिंट किया गया है। ओके सो इस तरह से प्रिंट किया गया है, इट इज़ अ पैंट और इलास्टिक प्रोवाइडेड है। ओके लेट मी चेक, कभी कभी ना ए लाइन कुर्ती में भी पॉकेट प्रोवाइड किए जाते हैं बट इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। और बहुत ही क्लासिक ये आउटफिट है। और ये जो है ना, ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा प्योर कॉटन फैब्रिक में है। सो मुझे ये आउटफिट बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे इस तरह के शेड्स काफ़ी पसंद आते हैं, बहुत ही सटल शेड्स। और ऑफिस के लिए भी आप इसे यू नो एज एन ऑप्शन रख सकते हो। लुक एट द दुपट्टा, दुपट्टा भी प्यारा है यार, मतलब और प्रिंट किया गया है, दिस इज़ नॉट वोवन, दिस इज़ प्रिंटेड। और इस पर यहाँ पर सिल्वर लेस अटैच्ड है। ये ब्रांड एक्चुअली ना कभी कभी काफ़ी अच्छे आउटफिट्स यू नो बनाती है, तो इसलिए गुड ब्रांड। सो नेक्स्ट जो है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस आउटफिट एंड आई गेस मैंने इसे मिंत्रा से बाय किया है। ओके लेट मी चेक, ओके या दिस इज़ फ्रॉम मिंत्रा। बहुत ही डिफरेंट सा आउटफिट लगा था मुझे जब मैंने ये वेबसाइट पर देखा था, सो आई थॉट लेट्स ट्राई दिस, क्योंकि मुझे इसका ना प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा था। सो लुक एट दिस, ओके सो प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। और मैरून कलर है, मैरून पर इस तरह से ना ऑफ वाइट प्रिंट किया गया है। और नेक एरिया भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दिस इज़ रेयन मटेरियल। साइज़ मैंने स्मॉल पिक किया हुआ है। 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड, यहाँ पर भी इस तरह से प्रिंट दिया है विद क्रोशिया लेस, विच इज़ नॉट लुकिंग बैड एट ऑल, मतलब बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट हो रहा है। और अंगरखा का स्टाइल दिया है यहाँ पर, इवन डोरी भी अटैच्ड है, वाइट डोरी और टैसल भी है। और ए लाइन कुर्ता है, ओके और यहाँ नीचे जो है इस तरह से क्रोशिया लेस है। लुक एट द प्रिंट, प्रिंट बहुत अच्छा है, फ्रॉम बैक साइड यू गेट दिस प्रिंट अगेन, बिल्कुल भी मतलब सी थ्रू नहीं है। और इसका मटेरियल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, विद दिस यू गेट बॉटम। नाउ बॉटम हैज़ डिफरेंट प्रिंट, ओके इस तरह से सर्कल्स बने हुए हैं, दिस इज़ प्रिंटेड और इलास्टिक इज़ प्रोवाइडेड। और यहाँ नीचे की तरफ आप देख रहे हो कि इस तरह से प्रिंट किया गया है। ओके सो नाइस मटेरियल। और इसके साथ जो दुपट्टा है, दुपट्टे में भी प्रिंट है बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा भरा हुआ है दुपट्टा। सो आई कैन सी, सो ऐसा लग रहा है कि थ्रेड वर्क किया गया है ना, बट ये प्रिंट है और प्रिंट काफ़ी अच्छे क्वालिटी में है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो लुक एट दिस, यहाँ पे भी इस तरह से क्रोशिया लेस है और ये जो दुपट्टा है ना प्योर कॉटन मटेरियल में है। सो लुक एट दिस, नॉट बैड एट ऑल, पहनने के बाद ना एक बहुत ही डिफरेंट सा लुक क्रिएट हो रहा है, आप अपने ट्रायल देख रहे हो। सो अगर आपको पसंद आ रहा है मेक श्योर यू बाय इट फॉर योर सेल्फ। सो नेक्स्ट जो आउटफिट है, दिस आई गॉट फ्रॉम मीशो। ओके तो ये जो आउटफिट है, ओके कुछ इस तरह से, तो ब्रांड नेम इज़ ज़िया। मुझे ना इसका लुक बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इसे देखा ना वेबसाइट पर, लेकिन सॉरी टू से इसका प्रिंट हद तक, कई हद तक तो निकल रहा है कई कैसे आप देख रहे हो।
सो लेट मी चेक ना ओवरऑल मतलब कैसा है आपको रिव्यू. ऑब्वियसली आई गिव यू द ट्रू रिव्यू जो भी है. और ओके सो कुछ इस तरह का आउटफिट है. ज़िया एक्चुअली ना मुझे ये ब्रांड पसंद है, ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है. काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में ना इनके आउटफिट्स होते हैं और दिखने में काफ़ी प्यारे होते हैं. और ये आउटफिट मुझे बहुत अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने इसे बाय किया. बट एक चीज़ ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, वो ये है कि इसका प्रिंट निकल रहा है. यू कैन सी प्रिंट हल्का हल्का छूट रहा है यहाँ पर और यहाँ पर ज़्यादा विजिबल होगा आपको. ये देख रहे हो. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक या दो वॉश में ना ये पूरा प्रिंट फेड हो जाएगा. सो कोई मतलब नहीं बनता है ना यार कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो. सो आई डोंट नो बट दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है बट प्रिंट निकल रहा है इसका. आप देख रहे हो यहाँ पर भी. सो वेरी डिसअपॉइंटेड. सो अगर आप इतना अच्छा आउटफिट बनाते हो लेकिन अगर आप प्रिंट पर भी थोड़ा काम करोगे, सस्ता वाला प्रिंट ना यूज़ करते हुए थोड़ा अच्छा प्रिंट यूज़ करोगे तो मे बी ये आउटफिट लोगों को बहुत पसंद आएगा और उससे उनकी सेल बढ़ेगी. इतना दिमाग क्यों लोग यूज़ नहीं करते मुझे नहीं पता. बट ओके सो यहाँ से ना इस तरह से मतलब कट दिया हुआ है, लॉन्ग कट है और प्यारा सा आउटफिट है यार. मतलब कलर भी कितना अच्छा है, इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है. इट इज़ सॉफ्ट कॉटन मटेरियल एंड फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो यू गेट दिस स्मॉल प्रिंट. ओके 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड. यहाँ पर भी इस तरह से प्रिंट दिया हुआ है एंड या गुड, नॉट बैड एट ऑल. और इसके साथ जो है ना बॉटम मिल जाता है सो बॉटम को दिखा देती हूँ एक बार. सो ये इसी शेड में है एक्चुअली. मटेरियल मुझे काफ़ी अच्छा लगा. आई जस्ट हैव एन इशू विद द प्रिंट. जो प्रिंट दिया है वो अच्छा नहीं है. सो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी ये आउटफिट. मैंने मीशो से ये बाय किया है एंड डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कभी कभी ना मीशो से. अब ये ब्रांड तो बहुत सारे वेबसाइट्स पर अवेलेबल, तो मीशो को दोष देकर मतलब नहीं है, उस ब्रांड में इशू है एक्चुअली. सो इलास्टिक प्रोवाइडेड है. आई लव द आउटफिट हाँ, लेकिन प्रिंट, बस प्रिंट की वजह से सारा खेल ख़त्म हो गया. लेकिन कलर और सब मतलब लुक काफ़ी अच्छा था. सो लुक आप देख रहे हो ना कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन बस प्रिंट की प्रॉब्लम है. सो नेक्स्ट जो है, अगेन नेक्स्ट आउटफिट इज़ फ्रॉम मीशो. ठीक है, बस ये अच्छा निकले आई डोंट नो बट ये कुछ इस तरह का कुर्ता सेट है. ओके नाउ ब्रांड नेम इज़ वृद्धि वोगल. मैंने ये वृद्धि वोगल ब्रांड से ही मंगवाया है और ये कुछ इस तरह का आउटफिट है. मुझे ना कुछ बहुत ही सिंपल शेड्स मतलब बहुत सटल शेड्स में आउटफिट्स चाहिए थे तो इसलिए मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा था. सो ये कुर्ता कुछ इस तरह से है. लुक एट द शेड्स, बहुत ही सटल शेड यूज़ किया गया है. डेफिनेटली आपको भी पसंद आएगा आप अगर इसे बाय करोगे. साइज़ मैंने मीडियम पिक किया हुआ है और इस तरह से लेस वर्क किया गया है फ्रंट एरिया में और बटन्स भी प्रोवाइडेड है. 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड. यहाँ पर भी इस तरह से लेस वर्क है. ओके इसका जो मटेरियल है ना इट इज़ समवॉट लाइक आई डोंट नो व्हाट द मटेरियल इज. इट इज़ समवॉट लाइक कॉटन बट प्लस पॉलिस्टर बट इट इज़ नाइस. मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा मटेरियल है, आप इसे दिन भर के लिए कैरी कर सकते हो. और प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सो पूरे कुर्ते पर इस तरह से प्रिंट किया गया है और गोल्डन प्रिंट भी है. साइड कट इज़ प्रोवाइडेड. फ्रॉम बैक साइड यू गेट दिस प्रिंट. ओके बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. विद दिस यू गेट ग्रे पैंट कुछ इस तरह से है और इलास्टिक प्रोवाइडेड है और इस तरह से प्रिंट दिया हुआ है. सो पैंट प्रोवाइडेड है इस तरह से. ओके सो इट हैज़ दिस सिल्वर लेस. मटेरियल इज़ नॉट बैड एट ऑल. इसके साथ जो दुपट्टा प्रोवाइडेड है ना दिस इज़ इन शिफॉन मटेरियल. यू कैन सी सो दुपट्टा जो प्रिंट आपको कुर्ते में मिल रहा है ना वही प्रिंट आपको दुपट्टे में भी मिल रहा है.
कुछ इस तरह से ये प्रिंट दिया हुआ है। सो नाइस, नॉट बैड। इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कोजी है, मतलब बहुत ही अच्छा इसका मटेरियल है। और यस, डेफिनेटली पिक दिस आउटफिट इन केस यू आर लाइकिंग इट। सो नेक्स्ट जो है, सो दिस इज़ अ ड्रेस। एक्चुअली बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी इस ड्रेस का। सो दिस इज़ द वन एंड दिस इज़ फ्रॉम अमेजोन। सो ब्रांड नेम इज़ सावी एंड लुक एट दिस। ओ माई गॉड, दिस इज़ ब्यूटिफुल। साइज़ मैंने स्मॉल पिक किया हुआ है। लुक एट दिस, ओके, मैंने स्मॉल साइज़ पिक किया है। और ये एक्चुअली स्ट्रैप्स है, स्ट्रैपी ड्रेस है। अगर आप कंफर्टेबल है पहनने के लिए सो डेफिनेटली आप इसे पिक कर सकते हो। बट लुक एट द प्रिंट एंड लुक एट द लुक, वाओ, ओ माय गॉड। यहाँ पर प्रिंट डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, और यहाँ नीचे इस तरह से ना प्रिंट डिफरेंट दिया हुआ है। कॉटन मटेरियल है, प्योर कॉटन। सो अगर आप कॉटन मतलब ड्रेसेस आपको पसंद है, डेफिनेटली ज़रूर पिक कर लेना ये आउटफिट। बैक साइड से ना कुछ इस तरह का लुक मिल जाएगा आपको, स्ट्रैप्स, ओके, स्ट्रैप लुक मिल जाएगा। और ऑब्वियसली पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, गुड फॉर हॉलीडेज। और स्ट्रैप्स एडजस्टेबल है, ओके, सो स्ट्रैप्स आप एडजस्ट कर सकते हो। इसका लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, आप ट्रायल देख लेना। और प्योर कॉटन है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। सो काफ़ी एथनिक प्रिंट है। सो अगर आपको पसंद आ रहा है, मेक श्योर यू बाय दिस फॉर योर सेल्फ। डेफिनेटली बाय इट फॉर योर सेल्फ इन केस यू आर कंफर्टेबल वेयरिंग स्ट्रैप्स, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज, दिस इज फ्रॉम मिंत्रा एक्चुअली। और ये जो शॉर्ट कुर्ता है, ये है फ्रॉम ब्रांड कॉल तावी, ओके। मुझे ये शॉर्ट कुर्ता बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मुझे इसका प्रिंट स्पेशली काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने बाय किया। और इस पर ना इस तरह से फेसेस बने हुए हैं जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका जो मटेरियल है ना, दिस इज़ प्योर कॉटन। बट ये ना तावी ब्रांड के ना पर्टिकुलरली मटेरियल के बारे में, फैब्रिक के बारे में मैं स्पेशली कुछ कहना चाहूँगी कि इनके फैब्रिक कॉटन तो होते ही है, लेकिन एक बहुत ही अलग फील आता है इनके कॉटन मटेरियल में, जैसे कि बहुत ही प्रीमियम मटेरियल हो कोई। सो डेफिनेटली अगर आप ये बाय करोगे, यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहती हूँ। दिस इज़ रियली नाइस। और शॉर्ट कुर्ता है, आप इसे वाइट पैंट्स के साथ भी पैरअप कर सकते हो, फिर डेनिम के साथ भी पैरअप कर सकते हो, इट विल लुक गुड। सो 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड, लुक एट दिस। और फ्लेयर्ड है ये कुर्ता, इवन फ्रॉम बैक साइड यू गेट दिस प्रिंट, ओके। सो नॉट बैड एट ऑल, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका लुक। सो मेक श्योर अगर आपको पसंद आ रहा है सो आप ज़रूर बाय करना। सो नेक्स्ट इज़ दिस ड्रेस, सो दिस इज़ फ्रॉम अमेजोन, ओके। आई डोंट नो, जो भी मैंने ऑर्डर किया सारे उल्टे तय करके क्यों रखे गए, डोंट नो। सो ये कुछ इस तरह का ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से, और ना मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा मतलब देखने के बाद ही बहुत अच्छा लग रहा था। आई थॉट इसे ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कि मतलब पहनने के बाद कैसा लगेगा। सो लुक एट दिस, प्रिंट बहुत अच्छा है इसका। मुझे ना इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा था, जैसे मैंने देखा ना इसे वेबसाइट पर, आई वॉज़ लाइक आई वॉन्ट टू बाई दिस। और जैसे कि हॉलीडे प्लान करने वाले हैं तो आई थॉट कि ये ड्रेस मतलब ज़रूर पहनूंगी। इट इज़ नाइस, इट इज़ कम्फर्टेबल। इसका जो मटेरियल है ना, ये पॉलिएस्टर मटेरियल है, बट इट इज़ गुड। आई मीन क्रेप पॉलिएस्टर मटेरियल होता है ना, वैसा वाला मटेरियल है, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है मटेरियल की। इस तरह से फ्लेयर्ड स्लीव्स दिए हुए हैं, यहाँ बटन्स भी है, ओके। और प्रिंट आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है, फ्रॉम बैक साइड यू गेट दिस प्रिंट, ओके। और इलास्टिक प्रोवाइडेड है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। वेयर साइकिलिंग शॉर्ट्स विद दिस, गुड टू गो। और मुझे ना मतलब आप लोग देख रहे हो, आई एम जस्ट लविंग दिस आउटफिट अ लॉट।
बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो कैसा लगा आपको ओवरऑल वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई नो यू वुड हैव लव्ड इट। सारे ही लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स से मैंने बाय किए। सो अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेक श्योर आप अपने लिए ज़रूर बाय करें, बिल्कुल भी मिस मत करना कोई भी आउटफिट जो भी पसंद आ रहा है। चलिए से आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है चीज़ें। और जो मैंने पहना है ये भी अमेज़ॉन से है। इनकेस आपने मेरा ये वाला वीडियो मिस कर दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप जाकर चेक कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ डू इट। सो सब्सक्राइब कर देना चैनल को डेफिनेटली। और सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय।